हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज मुकेश राडवेकर। एजुकेशन नंबर वन चैनल में मैं आपका फिर से स्वागत कर रहा हूँ। पिछली बार मैं नंबरिंग मेथड लेकर आपके पास आया था, आज मैं आपको लिंकिंग मेथड सिखाने वाला हूँ। लिंकिंग मेथड सिखाने के पहले मैं आपको मैथ की मैजिक ट्रिक सिखाने वाला हूँ। वो मैजिक ट्रिक क्या है वो आपको बताता हूँ। डेमोन्स्ट्रेशन के लिए आप ऑडियंस में से कोई भी एक आदमी आ जाइए इधर। सर, एक फोर डिजिट वाला नंबर आप लिख लीजिए, आपकी मर्जी से कोई भी। एक पर्ची मैंने इनके हाथ में दे दी, जब पूरा हो जाएगा तब ये पर्ची खोलना, फिर आप अपनी मर्जी से और एक फोर डिजिट नंबर लिखिए। ओके, अब मैं लिख रहा हूं। और एक आप फिर नंबर लिखिए सर। सर, आपके पास कैलकुलेटर होगा, इसका कैलकुलेशन कीजिए। फोर सिक्स टू सिक्स प्लस फाइव थ्री सेवन थ्री सेवन एट एट सिक्स टू वन वन थ्री। बाईस हजार दो सौ पिचहत्तर। बाईस हजार दो सौ टू सेवन सेवन फाइव। ओके सर, अब आपकी पर्ची दिखा लिए। Absolutely right. Okay sir, thank you. Okay. Okay sir, thank you. Actually आपने मैजिक ट्रिक्स देखी होंगी, लेकिन एक मैजिक ट्रिक कैसे करते वो मैं लिंकिंग मेथड होने के बाद आपको बताता हूं। ओके, चलेगा। अब अपना टॉपिक रहेगा लिंकिंग मेथड। लिंकिंग मेथड में आप देखोगे, लिंकिंग मेथड यानी क्या है, जो भी दो वर्ड रहते हैं उनको लिंक करके अपन एक नया वर्ड बनाएंगे जो देर तक अपने को याद रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपने को जो एमपीएससी यूपीएससी के जो भी जीके के क्वेश्चन रहते हैं उसमें रहता है कि कैपिटल और कंट्री, तो पहले समझ लो अपन भारत लेंगे, उसकी कैपिटल है दिल्ली। अब अपने को याद करने का यानी कुछ भी नहीं, लिंकिंग क्या करने का, भारत दिल्ली समझ लो। अपन ऐसा सोचेंगे भारत में दिल वाले लोग हैं। ओके, जैसे अपन सोचेंगे भारत में कैसे लोग हैं, दिल वाले लोग हैं। भारत और दिल वाले यानी दिल्ली रहेगा, आपको याद करने की जरूरत नहीं रहेगी। दूसरा लोग है आप पाकिस्तान, पाकिस्तान का है इस्लामाबाद। दूसरा है पाकिस्तान में इस्लामाबाद, कुछ नहीं याद क्या करने का है, सिर्फ पाकिस्तान में इस्लाम धर्म के लोग रहते। पाकिस्तान में कौन रहते, इस्लाम धर्म के लोग, यानी क्या रहेगा, जैसे पाकिस्तान आएगा तो आपके माइंड में आएगा इस्लाम धर्म के लोग, इस्लामाबाद। तीसरा आएगा बांग्लादेश, इसका आएगा ढाका। ओके, बांग्लादेश है ढाका। अब ये करेंगे बांग्ला, बांग्ला का बंगला भी हो सकता है, तो याद क्या रखेंगे, यहां पर आएगा बंगला और यहां पर आएगा ढाका, यानी ढका हुआ है। एक बंगला है जो ढका हुआ है, क्या जैसे कोई पड़ेगा बांग्लादेश तो बांग्लादेश उसी बार अपने माइंड में आएगा बंगला ढका हुआ है, बंगला यानी बांग्लादेश, ढका हुआ यानी ढाका। चौथा रहेगा सर, बांग्लादेश के बाद अपन लेंगे चाइना। ओके, चाइना का है बीजिंग। अब इसको याद कैसे करेंगे, चाइना और बीजिंग, तो क्या करेंगे,
चाइना, चाय समझ लो कि चाय और ना, अपन ने बोला चाय मेरे को नहीं चाहिए, चाइना। बीजिंग की जगह अपन की बीजिंग, याद रखेंगे जो भी अपन फर्डी वर्ड यूज करेंगे ना कि चाइना बीजिंग, जैसे ये वर्ड अपने को याद रहेगा तो किसी ने बोला चाइना तो लगे मन में आएगा चाइना बीजिंग, चाइना और बीजिंग की जगह आपको याद आएगा बीजिंग। ओके अब तो ये कंट्री होगी, उसी प्रकार मैं आपको पूरा का पूरा तो अभी नहीं सिखा सकता ना, आपके पास टाइम का एनी टाइम कम है, इसलिए मैं आपको राज्य भी वो इसी बता देता हूं। पहले समझ लो अरुणाचल प्रदेश, इसका आएगा ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर। समझ लो अरुणाचल प्रदेश में जाने के बाद लोग ईटा से मारते हैं, क्या है अरुणाचल प्रदेश में जाने के बाद लोग ईटा से मारते हैं, जैसे किसी ने पूछा अरुणाचल प्रदेश माइंड में आएगा ईटा से मारते, वही ईटानगर। दूसरा आएगा मेघालय, शिलांग, मेघालय शिलांग। अब इसके फोर कैसे करेंगे समझ लो, मेघा, मेघा एक लड़की का भी नाम है और वो कैसी है सी, यानी समझ लो सी कैसी है लॉन्ग है, मेघा कैसी लंबी लड़की है, जैसे किसी ने पूछा मेघा तो आप माइंड में आएगा सी लॉन्ग। ओके ये भी याद आ गया। अब आएगा नागालैंड, उसका आएगा कोई मां, नागा जो नागा साधु रहती है, नागा साधु की एक लैंड है और क्या है वहां पर कोहिमा, कोहिमा यानी समझ लीजिए नागालैंड में कोई माई का लाल जाता नहीं, याद रखने के लिए क्या है नागालैंड में कोई माई का लाल जाता नहीं, जैसे किसी ने पूछेगा नागालैंड तो कोई मां, हाँ भाई कोई मां आ गया, कोई माई का लाल की वजह से कोई मां आ गया। ओके और लेंगे आसाम, दिसपुर, या कैसे नहीं आसाम, आज शाम भी हो सकता है इसका, आज शाम, आज शाम क्या है डिश टीवी पर मैच है, आज शाम डिश टीवी पर मैच है, जैसे आपको आज शाम आएगा तो उसका आसाम आएगा और डिश टीवी पर है तो उसका दिसपुर आएगा। कुछ ऐसी सिटी होती है जिस पर यानी कुछ चीजें फेमस होती, फॉर एग्जाम्पल क्या है समझ लीजिए अपन लेंगे राउरकेला, यहां पर स्टील है, राउरकेला स्टील है। तो अपन क्या कर सकते मन में राउरकेला स्टील, अब अपने मन में जैसे ही भी जाएंगे समझ लो राउरकेला पीवी नरसिंह राव भी आ सकता है, ये राव की जगह अपन सोचेंगे पीवी नरसिंह राव और केला तो क्या आएगा और स्टील, तो अपने छोटी सी स्टोरी बनाएंगे पीवी नरसिंह राव केला खा रहे थे उनके दांत टूट गए क्योंकि वो केला स्टील का था, अब अपने को याद नहीं जैसे ही आएगा ना कि किसी ने पूछा राव केला तो अपने माइंड में आएगा भाई पीवी नरसिंह राव केला खा रहे थे और उनके दांत टूट गए क्यों क्योंकि स्टील का था, तो झट से अपन उसका आंसर स्टील लिख लेंगे। दूसरा आएगा समझ लीजिए रानीगंज, रानीगंज किसके लिए फेमस है कोयला, अभी रानीगंज का कोयला है तो रानीगंज तो इमेजिनेशन क्या होगा समझ लो रानी मुखर्जी सबको मालूम है गंज है तो समझ लीजिए रानीगंज ही हो गए, रानी मुखर्जी गंज ही हो गए क्यों क्योंकि उसके बालों में कोयले से आग लग गई, रानी मुखर्जी गंज ही हो गए क्योंकि उसके बालों में कोयले से आग लग गई। ये जैसे शब्द अपने मन में आएगा किसी ने पूछा रानीगंज किसके लिए फेमस है मेरे माइंड में आएगा रानीगंज ही हो गई क्यों भाई तो उसके बालों में कोयले से, तो झट से मैं आंसर उसका कोयला लिख दूंगा, समझ में आ गया। उसी प्रकार रहेगा अपना साइंस का भी रहेगा, ऐसे बहुत से वर्ड रहेंगे जो आप समझ लो एनर्जी है,
ओके, एनर्जी का एकक क्या रहेगा? जूल। क्वेश्चन आता है एनर्जी का एकक क्या है, तो क्या समझ लीजिए एनर्जी है जूल, जूल का अपन जाल भी कर सकते हो। आप एक एनर्जेटिक पर्सन को जाल में पकड़ रहे हो, बस आपको क्या रखने याद रखने का है, एक एनर्जेटिक पर्सन को आप जाल में पकड़ रहे हो तभी आएगा एनर्जी पर्सन यानी एनर्जी, और जाल में पकड़ रहे हो यानी जूल। ओके दोस्तों, आप ये लिंकिंग मेथड आपको समझ में आ रही होंगी, यानी जो भी लिंक करना है वो अपने मन से करना है, यानी कोई बताएगा तो वही से नहीं, तुम्हारे माइंड में जो भी फनी स्टोरी आ रही है वो पकड़कर आपको एक छोटी सी स्टोरी बनाने का है, यानी जैसे आपको वो चीज याद आएगी ना तो आपको कोई भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं। अपन क्या करते हैं, कोई भी चीज का रट्टा मारते, मैं बोलूंगा मैं पा यानी जो भी ऐसा सर है वो रट्टा मार, लेकिन क्या होता है मालूम है, एक टाइम ऐसा आता है कि बीच में का कोई शब्द मेरे को वर्ड में भूल गया तो आगे मैं टोटली ब्लैंक हो जाता हूँ। आप जो भी पढ़ाई करोगे वो टेंशन लेकर नहीं करना है, टेंशन फ्री होकर ऐसे मजा करके करना है, वो हमेशा याद रहेगी। ओके, इससे पहले आपने जो पिछली बार अपने मैजिक ट्रिक देखी, आप सबको तो वही चाहिए कि वो मैजिक मैंने कैसे किया, बड़ा ही सिंपल तरीका है उसका, देख लीजिए। अगर मैं उस ट्रिक्स में मैं बोलता हूँ सर को बुलाया मैंने कि सर आपने क्या अपने मर्जी से 4 डिजिट वाला कोई भी नंबर लिख लीजिए, तो समझ ले उन्होंने लिखा 4926। ओके, तो मैं क्या करूंगा झट से आंसर यहां पर लिख दूंगा, ये मेरा आंसर रहेगा। बाद में सर फिर बोलेंगे कोई सी नंबर 3521, अब मैं बोलूंगा मैं लिख रहा हूं। देखिए अब मैं लिख रहा हूं ना तो क्या करने का है, इन सबका जोड़ा 9 आना चाहिए, बस इतना ही याद रखने का है। समझ लो यहां पर 3 है तो मैं नीचे लिखूंगा 6, अगर ये 5 है तो मैं नीचे लिखूंगा 4, यहां पर अगर 2 है तो मैं नीचे लिखूंगा 7, यहां पर 1 है तो मैं नीचे लिखूंगा 8, यानी इनके टोटल 9 आने चाहिए, 8 और 1 9, 7 और 2 9, 5 और 4 9, 6 और 3 9। फिर मैं बोलूंगा सर आप एक नंबर लिखिए, सर फिर एक नंबर लिखेंगे कुछ तो 3 9 1 5। ओके, तो फिर मैं वही सेम करूंगा, यानी क्या है 3 की जगह 9 आना है इसलिए मैं 6 लिखूंगा, 9 की जगह 0 लिखूंगा, 1 की जगह 8 लिखूंगा और बाद में 5 की जगह 4 लिखूंगा। अब जैसे आप इसकी टोटल कर रहे हो, ओके कैलकुलेटर रख दीजिए, कीजिए सर कोई4921 6 4 7 8 प्लस 3 5 2 1 6 4 7 8 प्लus 3 9 1 5 3 9 1 5 plus 6 0 8 4 6 0 8 4 आंसर आया 2 4 9 2 4। ओके सर देख लीजिए पहले आंसर मैंने लिख लिया था, बराबर है, बाद में भी आंसर आया, तो आंसर ये कैसे लिखने का, सिंपल सी ट्रिक, पहली टेक्निक है जो भी वर्ड संख्या ये बताते हो 4 9 1 6, तो क्या करने का अपने मन से इसको पहले 2 ज्वाइन कर लेने का और ये 2 इसमें से घटा देने के, यहां पर आएगा 1 4, यहां पर आएगा 4 9 और इसके आगे 4 9 1 4, आंसर यही आने वाला है। समझ में आ गया आपको ट्रिक, पहली ट्रिक क्या है समझ लीजिए, जो भी नंबर लिख रहे हैं उसमें से 2 नंबर कम कर लेने के और ये 2 आगे लिख लेने का, यानी आएगा 2 ये 6 वैसे के वैसे, ये 9 वैसे के वैसे, यहां पर 2 कम हो गए तो ये आ गया 1 0। फिर मैं इनको बताऊंगा ये दूसरी संख्या बताएंगे 4 2 6 8, तो फिर इसमें इनको क्या करने का है, मैं जो भी बताऊंगा उसका जोड़ 9 होना चाहिए, ये 4 है तो मैं यहाँ पर 5 लिख रहा हूँ, ये 2 है तो मैं 7 लिख रहा हूँ, ये 6 है तो मैं 3 लिख रहा हूँ, 1 8 है तो मैं 1 लिख रहा हूँ, फिर एक कोई भी संख्या बताएंगे 3 2 1 8, फिर मैं वही फॉर्मूला करूंगा, यहाँ पर 3 है तो मैं 6 दूंगा, 2 है तो मैं 7 दूंगा, 1 है तो मैं 8 लूंगा, 8 है तो मैं 1 लूंगा और इसका टोटल जैसे ही कर रहे हो तो यही आंसर आएगा 2 6 9 1 0।
ओके, आपने मेरा चैनल देखा इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा आगे का वीडियो आने वाला है कि यानी सिंपल यानी जो भी अपन कैलकुलेशन करते हो कि 5 या 10 मिनट में 2, 3, 4 डिजिट का मल्टीप्लीकेशन कैसे करने का। धन्यवाद सर।